Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is your trainer Adnan. Hope so आप बिल्कुल ठीक होंगे. आज मैं आपके लिए Photoshop की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हूँ. आज हम सीखने जा रहे हैं Patch Tool. Patch Tool क्या होता है, इसमें क्या क्या हम मैजिक कर सकते हैं, तो आइए हम इसको सीखते हैं. सो लेट स्टार्ट. ओके, सो एक पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी. तो ये पिक्चर आप जो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो आपको शेयर की थी जिसमें से आप फ्री वेबसाइट से पिक्चर्स वगैरह ले सकते थे, तो आप ये पिक्चर्स किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये आपके लिए इजी हो जाएगी. बाकी अब इसमें हम लोग सबसे पहले मैं आपको जो पैश टूल की जो शॉर्ट की है वो जे है. अगर आप जे प्रेस करते हैं तब भी आ जाता है. सो अगर आप प्रीवियस तीन टूल्स की बात करना चाहें तो इन बाकी के टूल्स में हम लोगों ने साथ साथ कवर करना जो है वो कर रहे हैं, और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं आपको बता दूंगा. वैसे पैश टूल की ज़रूरत थी थोड़ी सी, तो मैंने आपको उसी पे ले चलता हूँ. उससे पहले अगर हम हीलिंग ब्रश का देखें तो हीलिंग ब्रश क्या करता है, ये ब्रश की तरह काम करता है. अब लेट्स सपोज ब्रश का साइज़, ये ब्रैकेट का जो साइज़ होता है ब्रैकेट क्लोज का, ये प्रेस करके इसको एक दूसरा साइड पे जाकर क्लिक करता हूँ ना, एक उसने सोर्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली उससे सिमिलर कलर उठा लेगा. लेकिन वो एग्जैक्टली थोड़ा सा आप देखें उसमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इसको यूज़ करें. उसकी जगह आप पैश टूल यूज़ करें. पैश टूल में आपकी बहुत सारी एडिटिंग हो सकती है अगर आप करना चाहें. एक ख़राब पिक्चर को भी आप सेट कर सकते हैं. तो बाकी के जो काम है वो आपके लिए एक टास्क है, वो असाइनमेंट है, वो आप खुद भी करें, ट्राई करें डिफरेंट डिफरेंट, ताकि आपके लिए ईजी हो. कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए. सो ये जनाब पेन टूल है हमारे पास, सॉरी पैश टूल है. इस पैश टूल में मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट एरिया सेलेक्ट कर लिया. यहाँ पर सबसे पहले सोर्स सेलेक्टेड है. सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बारे में बताता हूँ. मेरा सोर्स सेलेक्टेड है. सोर्स से क्या होगा कि मैं यहाँ से उठा के जब इसको यहाँ पर लेके जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एरिया ख़त्म हो गया, उस पिक्चर को इसने ख़त्म कर दिया. सो दिस वॉज अ सोर्स. अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जी करके वापस करता हूँ, और मैं यहाँ से जाके कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं पूरी ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ से फिर दोबारा से जाके सोर्स लेता हूँ, तो यहाँ से जाके एग्जैक्टली वो पूरे का पूरा एरिया एग्जैक्टली उठा लेगा, और उसमें से कोई भी जो है वो कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी. सिमिलरली जो कलर्स हैं ना वो सारे के सारे एज इट इज़ उसमें से क्लियर कर लेता है. तो जो कंटेंट अवेयर की ऑप्शन है ना उसका ये फ़ायदा होता है. वैसे तो आप नॉर्मल से भी इसमें जाके कर सकते हैं. अब इसमें एक और चीज़ है, मैं दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ इसको. अब यहाँ पर मैं अगर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ तो डेस्टिनेशन से क्या होगा, डेस्टिनेशन में ही सिमिलरली मैं दोबारा से यही वाली ऑप्शन को चूज़ करता हूँ. चूज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ पर लेके जाकर इधर प्लेस करता हूँ. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने एक अलग से उसकी कॉपी क्रिएट कर दी है. तो डेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि वो लेयर की कॉपी बना देगा, वेयर एज जो सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको जो एरिया है ना उसी को उठाता है, मतलब उसको रिमूव कर देता है. तो डेस्टिनेशन का मतलब है कॉपी बनाना, एंड सोर्स का मतलब है उसको रिमूव कर देना. सो आई होप सो कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी. तो ये पैश टूल आप ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स जो ख़राब पिक्चर्स होती हैं जैसे एक्नी टाइप की पिक्चर्स हैं उन पर ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट पैच के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसमें थोड़े से चेंजेस लाएँ, ताकि आपके जो है वो माउस यूजेज एंड पैश यूजेज का जो ट्रिक है वो स्मूथ हो सके. सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.